छात्रों, पिछले वीडियो में हमने नाटक कोणार्क के संबंध में चर्चा प्रारंभ की थी। उसके पात्रों और कथा सूत्र के संबंध में हमने चर्चा की। हम इस नाटक का अध्ययन करते हुए इस चर्चा को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो जब नाटक का प्रारंभ हुआ है तो प्रथम अंक के पूर्व उपक्रम की योजना लेखक द्वारा की गई है, जिसमें लेखक ने रंगमंचीय संकेत देने के साथ साथ जो सूत्रधार है और वाचिकाएं हैं उनके माध्यम से कथा सूत्र को प्रारंभ किया है। तो जो प्रारंभ है उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले पहली वाचिका आकर बोलती है, दूर वह खंडहर सोता है पूर्वी सागर के तट पर, सुनाती अगणित अथक लहर लोरियां जिसकी निशिवासर, रेत की सेज संजोए क्लांत मौन व खंडहर सोता है। दूसरी वाचिका, सांझ का सोने सा बादल डूबते सूरज की बेकल सांस सा चंचल पर निश्चल, अधूरे सपने सा अभिराम कौन वह खंडहर सोता है। दोनों वाचिकाएं जो कोणार्क के खंडहर हैं, वो खंडहर जो बहुत कुछ कहते प्रतीत होते हैं, वो खंडहर असोया हुआ है, उसकी मूर्तियां भग्न हो चुकी हैं, उसके जो स्तंभ खड़े हुए थे, विशाल स्तंभ हैं, वो गिर चुके हैं और वो सोया हुआ खंडहर बहुत कुछ कहता प्रतीत होता है। इसके पश्चात, कुछ विराम के पश्चात सूत्रधार है वो कथा का एक प्रकार से प्रारंभ करता है। सूत्रधार गंभीर मंथर हिल्लोल के साथ बोलना प्रारंभ करता है, लेकिन एक दिन, बहुत दिन हुए, वह सपना पूरा हुआ था 700 वर्ष पहले की बात। अब वो खंडहर कुछ कहता प्रतीत होता है और यहां आकर सूत्रधार है वो कथा प्रारंभ करता है कि 700 वर्ष पहले यह सपना पूरा हुआ था। कोणार्क का स्वप्न देखा वहां के राजा ने, उन शिल्पियों ने और महाशिल्पी विशु ने, वो स्वप्न साकार हुआ था, कोणार्क बना था, निर्माण पूरा हुआ था। यह कथा कहनी प्रारंभ करता है सूत्रधार। उड़ीसा प्रदेश में परम पराक्रमी महाराज नरसिंह देव का राज्य है और उनका मुख्य स्थपति है महाशिल्पी विशु। उसने एक के बाद एक 4 अद्भुत मंदिरों का भुवनेश्वर में निर्माण किया। फिर भी राजा की भावना और शिल्पी की साधना पूरी न हुई। राजा कलाप्रिय है, वह और मंदिरों का निर्माण करवाना चाहता है। एक के बाद एक मंदिरों का निर्माण हुआ, लेकिन राजा की इच्छा फिर भी पूरी नहीं हुई। वो और भी भव्य मंदिर निर्मित करवाना चाहता है और शिल्पी जो सृजन करता है, सृजन धर्मी है और जो सृजनात्मकता लिए हुए है, उसकी साधना, उसकी इच्छा, पहले से कुछ बेहतर बनाने की कामना कभी पूर्ण नहीं होती। वह और कुछ पहले से श्रेष्ठ सृजन करना चाहता है, निर्मित करना चाहता है। यही सृजन धर्मी की जो यह जो सोच है, यह जो उसकी इच्छा है, जो कभी समाप्त नहीं होती, कभी शांत नहीं होती, वो ही नवीन से नवीन, भव्य से भव्य, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सृजन के लिए उसे प्रेरित करती है। और ऐसा ही सृजन धर्मी है विशु, जो कि जिसकी इच्छा, जिसकी साधना और श्रेष्ठ बनाने की कामना, तीव्र जो लालसा है मन में, वह इन मंदिरों का निर्माण कर भी पूरी नहीं हुई है और अब वो और भीतर, और भव्य, और श्रेष्ठ, और सुंदर, और अनुपम कुछ बनाना चाहता है जो कि अपने आप में अद्वितीय हो। ऐसे निर्माण की इच्छा वह उसे और निर्माण करवाती है। तो अब महाशिल्पी विशु की निखरी हुई कला का अभूतपूर्व चमत्कार भगवान सूर्य का जगमगाता हुआ पुण्य धाम कोणार्क। तो कोणार्क मंदिर के निर्माण में वो लगा हुआ है, निर्माण कर रहा है और
ऐसा मंदिर अभूतपूर्व है जैसा पहले कभी नहीं बना। ऐसे मंदिर का सृजन महाशिल्पी विशु द्वारा किया गया है, उसकी अद्भुत कलाकृति है। यह पूर्वी सागर के तट पर उदित हो रहा है भगवान सूर्य का यह मंदिर। सूर्यदेव उदित होते हैं तो यह मंदिर भी मानो जो भगवान सूर्य का मंदिर है पूर्वी सागर के तट पर उदित हो रहा है। 1200 शिल्पियों और मजदूरों की 12 बरस की लंबी साधना, कैसे ये साधक थे, कला की साधना करते थे और कैसे साधक थे, तो जिंदगी के अनेकानेक वर्ष वो इस सृजन में, इस निर्माण में रत रहा करते थे, उसमें लगा देते थे, अपने आप को भुला करके, अपने जीवन को भुला करके जो पूरी तरह से सृजन में लगे रहते थे, इस भव्य निर्माण में लगे रहते थे, पहले से श्रेष्ठ कृति समाज को देने में लगे रहते थे। ऐसे अनूठे थे ये शिल्पी और ये इस कार्य में लगे हुए थे। हाँ, विराट कल्पना, पाषाण का एक विशाल रथ कैसा बना था यह मंदिर, इसके कथन में आ जाता है। जिसकी पिष्ठ दुर्ग प्राचीर से वृहत है, एक विशाल रथ है जो मानव पत्थरों से बना हुआ है, सैकड़ों गज लंबी चौड़ी जिसकी पीठ है और वह दुर्ग प्राचीर से वृहत है। किसी दुर्ग की प्राचीर सीमाएं जो जो दीवारें उसकी रक्षा के लिए खींच जाती है, उससे भी बड़ी, उससे भी विशाल यह उसकी पीठ है। जिसके 12 चक्र और गिरी से विपुल है, जिसके 7 भव्य घोड़े, जिसमें 12 चक्र बने हुए हैं और पर्वत से भी बड़े 7 घोड़े भव्य उस रथ में जुटे हुए हैं, बनाए गए हैं। और मंदिर के भीतर है एक अनोखा चमत्कार, सूर्य भगवान की जाज्वल्यमान मूर्ति चुंबक पत्थर के आकर्षण से निराधार शून्य में लटकी हुई। तो जैसे भव्य भगवान भास्कर आकाश में निराधार दिखाई देते हैं, वैसा ही अनूठा तकनीकी प्रयोग इस मंदिर के निर्माण में किया गया है, जहां वो सूर्य भगवान की, भगवान भास्कर की जो मूर्ति है वो चुंबक की शक्ति के द्वारा निराधार स्थापित की गई है, कहीं टेक नहीं मिली है उस मूर्ति को। भगवान सूर्य देव की जो मूर्ति बनाई गई है, विशाल मूर्ति, वो भी उसी प्रकार से निराधार है जैसे भगवान सूर्य आकाश में निराधार दिखाई देते हैं। तो एक अद्भुत अनूठा प्रयोग तकनीक का करते हुए, चुंबकीय शक्ति का करते हुए, उस मूर्ति को भी उसी प्रकार से निराधार रूप में स्थापित किया गया है। और यह इसमें उल्लेख आया है विशु के कथन में ही कि यदि उस चुंबक को हटाया गया तो यह मूर्ति एकाएक आ गिरेगी और पूरा मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। सारे जैसे भूकंप आता है कहीं पर, ऐसी स्थितियां हो जाएंगी और इसके सारे स्तंभ सब ढड़ाकर गिर पड़ेंगे, पूरे मंदिर का विध्वंस हो जाएगा। तो सारी शक्ति उस चुंबक में है, जो चुंबक स्थापित किया गया और उसके आधार पर निराधार रूप में बिना किसी टेक के, बिना किसी सहारे के उस भगवान भास्कर की मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो ये उल्लेख बाद में भी आएगा, संवादों में आएगा, लेकिन सूत्रधार के कथन में जैसे हम देखते हैं कथा सूत्र जैसे निर्मित किया जाता है, तो एक पूरी एक कहानी किस तरह से मंदिर का निर्माण हो रहा है, किस प्रकार से मंदिर का निर्माण किया गया है, किस तरह से एक जो जिसकी जिसके अंदर प्रवृत्तियां सकारात्मकता और सृजनात्मकता की प्रवृत्तियां हैं, ऐसे शासक अपने नगर में अधिक से अधिक निर्माण के लिए चेष्टा करते रहते हैं और उनकी इच्छा, उनकी साधना कभी भी समाप्त नहीं होती। और जो सृजन धर्मी कलाकार है उसकी इच्छा, उसकी लालसा, उसकी कुछ और नया करने की जो वृत्ति है, वही उससे और अधिक श्रेष्ठ निर्माण करवाया करती है। यह बताने के साथ ही साथ किस प्रकार से इस मंदिर का निर्माण किया गया है, कितने शिल्पी इस कार्य में लगे हैं, कितने वर्षों की अथक साधना के परिणाम स्वरूप इस मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ शेष है, कुछ द्वंद्व है, कुछ चिंता है, उसी से इस नाटक का प्रारंभ होता है। महाशिल्पी विशु
चिंतित है, चिंताग्रस्त है। वो चिंता क्या है? वो चिंता यह है जो प्रथम अंक नाटक का है वो इसी को लेकर के है कि वो चिंता यह है कि मंदिर के शिखर पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा है। उसकी चिंता है, उसे बार बार प्रयास किया जा रहा है लेकिन किसी भी प्रकार से वे शिल्पी और स्वयं महाशिल्पी विशु उस मंदिर के शिखर पर कलश को स्थापित करने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो इस बात को लेकर कि वो चिंतित हैं। और ऐसे में अब जब ये द्वंद्व की अवस्था में है, वहीं पर जो नाट्य कर्मी, जो नाट्य शिरोमणि है सोम दत्त, जिनका उल्लेख इसमें आया है, सौम्य श्री दत्त जिनका नाम है नाट्याचार्य, तो उनका प्रवेश होता है। वे आते हैं कि किस प्रकार से मंदिर का निर्माण हो जाएगा, तो हम किस तरह से नाटक करेंगे, और स्वयं सौम्य श्री दत्त की मूर्ति भी विशु द्वारा बनाई जाती है। यह भी प्रथम अंक में ही आ जाता है। और ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, नरसिंह देव की मूर्ति भी प्राप्त हुई है उन भग्नावशेषों में, सौम्य श्री दत्त की भी है। जो आपका नाटक है उसमें वो जो मंदिर के भग्नावशेष हैं उनके चित्र लेखक ने स्वयं दिए हैं और ये संकेत दिए हैं कि कैसे ये लोग रहे हैं, तो इनकी वेशभूषा किस प्रकार की होगी, इनका स्वरूप नाटक में मंच पर किस प्रकार का होगा, ये लेखक द्वारा स्वयं बताया गया है। तो अब ऐसे में सौम्य श्री दत्त का आगमन और सौम्य श्री दत्त के आगमन के साथ ही वे इसमें धर्मपद जो युवा वर्ग का प्रतिनिधि है, 16 वर्षीय किशोर है, बहुत अच्छा कलाकार है, उसका उल्लेख करते हैं। यही नाटक के प्रारंभ में ही, प्रथम अंक में ही, जो कुंती और सूर्य की जो कथा है उसका मिथक भी हमारे सामने आता है। और यहीं पर विशु स्वीकार करता है कि किस तरह से एक उस वनवासी कन्या से उसका प्रेम प्रसंग भी जुड़ा था, और वह जब वह गर्भवती थी तो वह भयभीत होकर उसे छोड़कर भाग आया, वो 30 उसे सालती है। तो ऐसे में वो कथा सूत्र में उस मिथक का वर्तमान संदर्भों में प्रयोग करते हुए लेखक ने उसे भी प्रकट किया है। और इतना ही नहीं, अब आप देखिए कि सौम्य श्री दत्त की मूर्ति का निर्माण जब विशु करता है तो उसमें एक कड़ा बना देता है, तो ऐसा उसमें जो चिन्ह अंकित है वह कड़ा जो कि उस कन्या का था, तो वह कहता है कि ये कहाँ से बना दिया, मैंने तो यह आभूषण नहीं पहना है, इस चिन्ह वाला नहीं है। तो वह कहीं ना कहीं उस याद में खोए हुए उसका निर्माण कर देता है और उसके माध्यम से ही विशु को बाद में पता चलता है कि धर्मपद उसी का पुत्र है, उसी आदिवासी कन्या का पुत्र है जिसे वह गर्भावस्था में छोड़कर आ गया था, और अपने आप को उस सबको भुला डालने के लिए उसने अपने आप को, जो समाज के दबाव है, समाज की मजबूरियां हैं कि वह संभव नहीं है या वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया, और उसने अपने आप को काम में डुबोकर उससे छुटकारा पाने का प्रयास किया। तो सौम्य श्री दत्त द्वारा ही यह विशु को बताया जाता है कि धर्मपद के पास मैंने वह कड़ा देखा है। इसकी कथा और आगे चलती है। धर्मपद जो युवा वर्ग का प्रतिनिधि है, बहुत ओजस्वी है, उत्साह है उसमें, वह मंदिर पर कलश स्थापित करने में सफल भी होता है, और विशु से वो अधिकार मांगता है कि यदि मंदिर पर मैं कलश स्थापित कर दूं तो एक दिन के लिए मुझे मुख्य शिल्पी का पद, मुख्य शिल्पी के सारे अधिकार आप दे देंगे। विशु इस बात को स्वीकार करता है, लेकिन एक यह देखिए कि धर्मपद है वह ये अधिकार भोगने के लिए नहीं चाहता, वह मुख्य शिल्पी का एक दिन का सारा अधिकार जो विशु से मांगता है वो सिर्फ इसलिए कि स्वयं नरसिंह देव के सामने जितने भी शिल्पी हैं उनकी पीड़ा, उनका जो शोषण राजराज चालुक्य द्वारा किया जा रहा है, उन्हें किस प्रकार से भूखे रहकर काम करना पड़ रहा है, कितने अभाव झेलने पड़ रहे हैं, उन सब को उनके सामने कह सके, उनकी जबान बन सके। तो जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, अभावग्रस्त हैं, फिर भी सृजनरत हैं, फिर भी अपना कर्म कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरी तरह लगे हुए हैं, उनकी पीड़ा को कहने के लिए, उनकी पीड़ा को कहने का अवसर पाने के लिए धर्मदत्त एक दिन के लिए अधिकार मांगता है मुख्य शिल्पी के सारे। तो यहां पर धर्मदत्त
युवा वर्ग की चेतना का प्रतिनिधि बनता है। उन शिल्पियों की पीड़ा के माध्यम से हमें वर्तमान समय में जो संघर्ष है, जो अभावग्रस्त है, किस प्रकार से जो मजदूर है, सजन धर्मी है, उसके अभावों को भी वाणी मिली है। राजराज चालुक्य किस प्रकार से उनका शोषण करता है, उसके माध्यम से सत्ता द्वारा किए जाने वाले शोषण को वाणी प्रदान की गई है। और इतना ही नहीं, नरसिंह देव जो कि दयालु कृपालु राजा हैं, उनका चरित्र भी हमारे सामने आ जाता है उन संवादों में कि उन्हें इनके बारे में जानकारी ही नहीं है। अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, शेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।